नमस्ते गुरुजी जय गुरुजी महाराज जय गुरुजी जी सात संगत जी शुकराना गुरु जी महाराज जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का स्वागत करता है आज हमारे बीच में ब्लैक संगत कोने कोली आंटी जी उपस्थित हैं जो कि संगत शेयरिंग के लिए आई हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनीत आंटी जय गुरुजी जी जय गुरु जी अंकल शुक्राना, गुरुजी, शुक्राना अंकल। गुरु जी शुक्राना अंकल आज गुरु परिवार निहाल हो गया कि आज गुनीत कोहली आंटी जी संगत के लिए आई हैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज का आ, आंटी इससे पहले कि आप संगत स्टार्ट करें गुरु जी महाराज का एक छोटा सा वचन है जो कि उन्होंने अपने समय में उषा सिंह आंटी जी को कहा था निंदा नहीं करनी मेरी ब्लैसिंग नहीं मिलन गिया इस ये जो वचन है आंटी इसको दो मिनट के लिए इसकी व्याख्या करके इसके मीनिंग बता के आप अपनी संगत शेयर कर सकते हैं आंटी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ओवर टू यू आंटी जी जय गुरु जी गुरुओं के गुरु देवों के देव मेरे गुरु जी महाराज आपको मेरा प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी गुरु जी हमेशा कहते थे नो ए बी सी मतलब नो अब्यूजिंग ब्लेमिंग, क्रिटिसिज्म एंड ऑल्सो किसी की निंदा चुगली नहीं करनी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना इफ यू डू दैट मेरी ब्लेसिंग्स गबा दोगे मेरी ब्लैसिंग्स नहीं मिलेंगी मेरी ब्लैसिंग चली जाएंगी तो संगत जी ये तो सबसे बेसिक रूल था कि किसी के किसी भी इंसान के बारे में निंदा नहीं करनी उसके पीठ पीछे कुछ नहीं बोलना जो अगर सच भी है तो उसके सामने भी वो आप वही बोलो जो सच है और जो ठीक है और वही चीज उसके पीठ पीछे भी बोलोगे तो वो निंदा नहीं होती निंदा होती है अगले की बुराई करना जो सच ना हो और गुरुजी कहते थे कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ये तो बात सही है कि क्योंकि हम सब में ऐब है हम सब में कोई ना कोई खामियां हैं और सबसे पहले हमको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और फिर उसके बाद लोगों के बारे में बात करनी चाहिए गुरु जी कहते थी पहले अपना भांडा साफ करो पहले तुम अपने आप को ठीक करो क्लेंस करो जब आप अपने आप को क्लेंस करोगे तभी मेरी के थ्रू आप ग्रो करोगे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप आगे बढ़ोगे बट अगर आपका पांडा ही नहीं साफ है निंदा चुगली करते हो क्रिटिसिज्म करते हो अब्यूज करते हो ब्लेम करते हो तो मेरी ब्लेसिंग्स का कोई असर नहीं होगा बिकॉज एक साइड से आपको ब्लेसिंग से आप unblessed हो रहे, अनब्ले गुरु जी महाराज तो बहुत ही प्रैक्टिकल गुरु थे वो कहने सी मैं करके दिखाना और हर एक चीज में उन्होंने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाया प्रवचन नहीं देते थे जिससे जो बात करनी थी उससे डायरेक्टली ही बात करते थे और हमेशा कहते थे कि डायरेक्ट कनेक्शन रखो मेरे से डायरेक्टली बात करो और जो भी हल होता था वो गुरुजी वहीं के वहीं अगर कुछ बोलना है कुछ बताना है तो आपको ही बता देते थे डायरेक्टली आपको मुझे गुरुजी ने अपनी शरण में आज से बत्तीस साल पहले लिया ये जलंधर मंदिर की बात है तब गुरुजी जी जलंधर मंदिर में डिफेंस कॉलोनी में तीन सौ नंबर में वहां पे रहते थे और मैं भी उन्हीं दिनों जलंधर कैंट में रहती थी और एक बार हम लोग जलंधर सिटी से किसी के यहाँ से वापस जा रहे थे घर तो रास्ते में मेरे साथ मेरी मासी थी और उन्होंने कहा कि सुन यहाँ पे एक बाबा आए हुए चल वहा चलते हैं उनका बहुत नाम है बहुत सारे लोग वहां जा रहे हैं एंड um, बहुत महानता है उनकी मैं साफ साफ उनको मना कर दिया कि मैंने वहां नहीं जाना मैं सीधा घर जाना चाहती हूँ मैं किसी बाबे के पास नहीं जाना चाहती बट हम कौन होते हैं कहने वाले वो तो गुरु जी महाराज ने मुझ कर्म किया होगा मेरे को ब्लेस कर रहे होंगे तभी मेरे को अपनी शरण में ले रहे थे पर हम ना दान हमको कुछ समझ तो होती नहीं है अपना दिमाग लगाते हैं और अपने दिमाग से हम सोच के बोलते हैं और इसलिए मैंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी बट मेरे साफ मना करने के बावजूद भी गुरु जी महाराज के आगे किसी की नहीं चलती और हम दोनों वहां पे जलंधर पहुंच गए जैसे हम जोड़े उतार के अंदर पहुंचे गुरुजी महाराज सिंहासन पे विराजमान थे और उन्होंने कहा आओ मासी पढ़ी लंग गया तो हमने एक दूसरे को देखा और इंसान है यंग थे तब और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था बट हमने एक दूसरे को देखा और सोचा कि हम लोकल हैं यहाँ के टू ब्यूटिफुल मंदिर में तो किसी ना किसी ने बता दिया होगा कि ये दोनों मासी भी नहीं है ये नहीं सोचा था कि गुरुजी तो जानी जहान है उनको सब पता है कौन आ रहा है इनफैक्ट उन्होंने ही हमें जलंधर मंदिर में बुलाया होगा उन्हीं की आज्ञा से हम वहां पहुंचे होंगे बट तब नादान थे कुछ समझ नहीं था तो हमने तब एटीट्यूड भी बहुत था तो सोचा कि शायद किसी ने बता दिया होगा बट वो पहली मुलाकात में गुरुजी ने क्लियर इंडिकेशंस दे दी थी कि वो कौन है अगेन हम लोगों को कुछ समझ नहीं आई कि वो कौन है धरती पे क्यों आए हैं, क्या है क्योंकि पहली बार में ही उन्होंने मेरा ये तो प्रेजेंट बताया मेरा पास बताया मेरा फ्यूचर भी बताया उन्होंने कहा मतलब हम कहीं से किसी की डेथ से उनकी डेथ सेरेमनी का भोग खा के वापस आ रहे थे एंड थर्ड सेंटेंस का था तेरे प्रादा ब्याह नहीं होना होते। और जिसकी डेथ सेरेमनी के भोग से हम आ रहे थे वो उस टाइम पे मेरी होने वाली भाभी की दादी की डेथ हो चुकी थी और उनके भोग सेरेमनी से हम वापस घर जा रहे थे गुरु जी ने तो अपनी तरफ से पूरी हिंट्स दे दी पूरा कुछ बता सकते अपना दिमाग लगाना छोड़ नहीं सकते और हमने कुछ सोचा नहीं हमें कुछ पता नहीं चला हम गुरु जी से दर्शन करके उनकी ब्लेसिंग लेके वापस घर चले गए इसके बारे में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया क्योंकि हम लोग कंडीशन होते हैं बचपन से कि भगवान या रब तो ऊपर है मतलब मैं सिख नहीं हूँ सरदार नहीं हूँ और हम लोगों को बताया जाता कि गुरुद्वारे जाओ गुरु ग्रंथ साहब के सामने मथा टेको वो हमारे भगवान है तो इसके आगे हम कुछ सोचते नहीं है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई होती है बचपन से तो गुरु जी महाराज को हम यही सोचते थे कि एक बहुत ज्ञानी सेंटली पर्सन है बहुत महात्मा है पहुंचे हुए हैं और वहां पे जलंधर मंदिर में बार बार जाते थे हम क्या जाते थे वो तो आई थिंक गुरु जी अब पता चलता कि गुरु जी हमें बुलाते थे क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिल सकता और बार बार हमने मंदिर जाना जलंधर सिटी से जलंधर कैंट के रास्ते में ही गुरु जी का मंदिर आता था और जब भी हम अप डाउन करते थे तो ऐसा था कि चलो गुरुजी को मिलके चलते हैं चलो गुरुजी के मथा टेक के चलते हैं मतलब छोटे छोटे बहाने ढूंढते थे गुरुजी के मंदिर जाने के पर तब ये नहीं समझती कि गुरुजी हमें बुला रहे हैं हमारे कष्ट काट रहे हैं हमारे कर्म काट रहे हैं हमें ब्लेस कर रहे हैं इतना हमें अः एहसास भी नहीं था और इतना पता भी नहीं था इतनी समझ भी नहीं थी बहुत साल बाद बहुत साल बाद मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज खुद साक्षात रब हैं। सुन रखा था उन्होंने किसी को कहा था कि मैं जोत जोत तो आया तो जोत में जामंगा बट तब भी इस बात का इतनी तवज्जो नहीं दी तब क्योंकि मैं कह सकती हूं मैं नादान थी जैसे गुरुजी जी कहते थे ली तो मैं ली सी इतना नहीं सोचा तब इस बार ऐसे करके गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा क्योंकि वो जानते थे कि इसके आगे जो इसका समय है वो बहुत खराब है और मैं शायद डोल जाऊंगी तो वो ही समय था उन्होंने जब मुझे अपने पास बुलाया ये भी मैं अब रिफ्लेक्शन से कह सकती हूँ क्योंकि उसके बाद जो मेरी जर्नी रही मेरी लाइफ जैसे जैसे बीती मेरे को बहुत कठिनाइयें आई बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अगर गुरुजी का सपोर्ट नहीं होता अगर गुरुजी नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता बहुत ही मुश्किल होता जीना जी हाँ इट वॉज है डिफिकल्ट टू लिव बट गुरु जी से हमें वो सपोर्ट मिलता है हमें वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जिससे हम आगे चलते रहते हैं आगे बढ़ते रहते हैं जब जलंधर मंदिर में जाते थे तो मैं मैंने जो नोटिस किया जो मेरे को पता चले कि गुरुजी बहुत डिसिप्लिन पसंद थे बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट थे और एक चीज उनको बहुत अच्छी लगती थी पंक्चुअलिटी इतनी सफाई थी जल जलंधर मंदिर में उनका किचन इतना साफ होता था कि जिसको कहते हैं कि नई किचन में भी अगर दाग हो तो हो उनके किचन में बिल्कुल कोई भी गंद कोई दाग कुछ नहीं था पूरा पूरा आ, मंदिर यूज टू बी स्पिक एंड स्पैन जय गुरु जी सॉरी आई लॉस्ट कंटैक्ट तो मंदिर में वहां पे बार बार जाते थे एंड एक बार uh, कुछ लेडीज बैठी थी एंड बहुत कम संगत होती थी uh, जलंधर मंदिर में पंद्रह बीस पच्चीस ऐसे शाम के समय थोड़ी ज्यादा होती थी दिन में तो बहुत ही कम एंड uh, एक बार हम पांच छह लेडीज़ सेमी सर्कल में गुरुजी के सामने बैठे थे और एक लेडी अपने बेटे के बारे में कुछ बता रही थी और मैंने आउट ऑफ द टर्न तब बोल दिया गुरु मेरा मुंडा बोल तो मैंने दिया और इतना डरी इतनी घबराई क्योंकि पता था गुरु को ये बात आ, मैंने जो आउट ऑफ टर्न कर दी है पसंद नहीं आएगी आ, सब अपने टाइम से अपनी बारी से बात करें तो गुरुजी को ऐसी बात अच्छी लगती थी इनडिसिप्लिन पसंद नहीं था और तब मैं बहुत डरी कि अभी मेरे को सबके सामने डांट पड़ी अभी मेरे को नाराज होंगे क्योंकि गुरु जी ने भी इस वर्थ, जो होता था साफ साफ उसी समय सबके सामने कहते थे तो संगत काफी डरती थी कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए जिससे कि हमें सबके सामने डांट पड़ जाए बिकॉज कई बार वो एम्बेसिंग भी लगता है आफ्टरऑल हम ह्यूमन बींग्स हैं तो तब मेरे को थोड़ी सी घबराहट हुई कि आज मेरे को डांट पड़ी पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा उन्होंने साइड से देखा हल्की सी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पे एंड आगे वो आंटी से बात करते रहे वो आंटी बताती रही ये बात तो यही खत्म नहीं हुई क्योंकि कुछ दिनों बाद एक महीने के बाद हम वही दरबार पे बैठे थे तो गुरु जी मेरे को इशारा करके कहते उठ तो जा जाके बह जा उठे का मतलब जो ट्रीटमेंट रूम है गुरु जी का जो आजकल हम लोग ट्रीटमेंट रूम के नाम से जानते हैं गुरु जी का कमरा होता था और मैं वहां पे जाके बैठी बड़े बुरे ख्याल आए दिमाग में एंड आई एम श्योर गुरु जी को सब पता था कि मैं क्या सोच रही हूँ क्या नहीं सोच रही उसके लिए माफी चाहती हूँ गुरु जी बट इंसान हूं एंड uh, वहां पे एक आंटी बैठी थी और रिक्लाइनिंग चेयर पे पाठ कर रही थी और uh, गुरुजी आए उसको बोला बीबी बाहर जा तब मैं और ज्यादा घबरा गई एंड उसके बाद मेरे को कहते हैं कि चग्गा चुक ले तो लम्बी पैजा अब दिस टिपिकल पंजाबी वर्ड्स चग्गा मीन्स शर्ट एंड लम्बी पैजा मीन्स डाउन लेट जा दिमाग में बड़े बड़े उल्टे सीधे ख्याल पर मैंने वही किया जो गुरुजी ने बोला और मैं जब लेती वहां पे तो गुरुजी आए कमरे में उनके हाथ में दो स्पूं थे उन स्पूं के साथ उन्होंने मेरा एबडोम मेरा पेट चेक किया मेरा पीठ चेक किया और बहुत कंसंट्रेशन के साथ उन स्पूं की तरफ देखा और मेरे को बोला दस मिनट बैठ जा फिर बाहर आ जाए तो मैं वहां पे नीचे कापेट पे दस मिनट के लिए बैठी रही और कुछ देर बाद मैं बाहर चली गई संगत जी पता नहीं क्या था मेरा विश्वास था उनमें या गुरु जी को पता था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी या पूछूंगी क्योंकि मैंने गुरु जी से नहीं पूछा कि उन्होंने क्या किया क्या देखा ये सारा क्या था ऑपरेशन या जो भी है मेरी ट्रीटमेंट क्या था मेरे को तो तब ये भी नहीं पता था कि मेरी ट्रीटमेंट हो रही है लेट फ्रेंकली स्पीकिंग की गुरु ने बोला और मैं चली गई और उन्होंने चेक भी कर लिया और ना गुरुजी ने मुझे बताया ना ही मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या किया आपने ये क्या था अब जब गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया था इस जन्म में उससे पहले मेरे काफी अबॉशंस हो चुके थे मिस हो चुके थे शादी के कुछ साल हो गए थे बट बहुत खुश मिजाज थी हैप्पी को लकी इंजॉइंग लाइफ टू द फुल इधर घूमना उधर घूमना um, बड़े खुशहाल कपल और ये एहसास भी नहीं था कि बच्चा नहीं है घर में हमारे बट शायद मेरे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा चल रहा होगा जो मैंने गुरुजी के सामने बात की थी और गुरुजी को भी पता था कि मेरे साथ क्या होगा क्या हुआ है और उन्होंने जो भी ट्रीट किया मेरे को नहीं पता और ना ही मैंने उनसे पूछा जलंधर मंदिर के मतलब मैं जलंधर में कुछ साल रही मैं आती जाती रही गुरुजी के दरबार में मेरे अंकल भी जब जलंधर आते थे तो मैं उनको गुरुजी के पास दर्शन के लिए लेके गई मेरे अंकल ने भी गुरु जी के दर्शन किए गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त की और जब गुरु जी जयपुर आए एक बार तब तक हम लोग जयपुर शिफ्ट हो गए थे और जयपुर में रह रहे थे वहां पे गुरु जी ने फिर से हमें ब्लेस किया मेरे और मेरे हस्बैंड को ब्लेस किया और अब तक तो हम लोग आईवीएफ भी करा चुके थे और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करा चुके थे पर तब भी कोई इश्यू नहीं था एंड डॉक्टर्स ने ये बोला था कि बहुत मुश्किल है इम्पॉसिबल है क्योंकि बॉडी फीटस रिजेक्ट करती है इनका अपने आप हैबिचुअल मिसकैरेज हो जाता है एंड uh, इनका मां बनना बहुत ही मुश्किल है बट भगवान के आगे किसी की नहीं चलती डॉक्टर्स भी अपना सर रब के आगे झुका देते हैं और ऐसा ही हुआ बहुत ट्रीटमेंट ली बहुत कुछ लिया बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सारी दवाइयां डस्टबिन में फेंक दी मैंने कहा बस बहुत हो गया और कुछ नहीं लेना एंड उससे कुछ महीने पहले पता था गुरुजी जयपुर हैं जयपुर आ रहे हैं और जब गुरुजी जयपुर आए हम ब्लेसिंग्स लेने गए एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हमें ब्लेसिंग्स के एग्जैक्टली तीन साल बाद मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ जो अब एक यंग आदमी है इज ए यंग मैन नाउ एंड ये ग्रेस गुरुजी की है गुरु जी की महिमा है गुरु जी का बगैर मेरे घर में बेबी नहीं होना था। गुरु जी ने हमें ब्लेस किया मेरे को अब मैं रियलाइज करती हूँ कि बार बार जब वो जलंधर बुलाते थे मंदिर में बुलाते थे तो मेरे कर्म काट रहे थे मेरे कष्ट काट रहे थे क्योंकि उनको पता था कि इतने कर्म के बुरे कर्म होने या बुरे कर्म थे या जो भी था कि इशू नहीं होगा और और संगति में एक और बात बताना चाहती हूँ कि गुरु जी कहते थे हर एक चीज का वक्त दा है ते जगह है तो शायद मेरा जो वक्त था वो तब था नहीं जब मैं जलंधर मंदिर में जाती थी और मेरी जगह भी शायद जयपुर में ही थी ब्लैसिंग की इसीलिए जब गुरु ने जयपुर में ब्लेस किया तब मेरे को गुरुजी ने एक बेबी दिया अब जलंधर मंदिर में भी जब हम जाते थे तो गुरुजी ने एक बार जैसे बुलाया सेवा करवाई इन चाह बना के ले के आ एक बार जैसे कि आ मेरे पैर को उठ दे तो तब हमको लगता था कि अरे वाह हमारा हमारी बारी है तब हमारे एटीट्यूड इतना होता था कि हम समझते थे कि अरे हमारा नंबर आ गया आप तो रह गए हम गुरुजी के पैर दबा रहे हैं तब ऐसी बात होती थी और ये नहीं रियलाइज करते थे कि महाराज तो हमारे कष्ट काट रहे हैं हमारे कर्म काट रहे हैं हमें सुधार रहे हैं हमारा भांडा साफ कर रहे हैं तब ये बातें नहीं समझ आती थी ये तो बहुत लेट लाइफ के बहुत लेट ये बातें हमें समझ आए कि ये तो हमारे कष्ट कट रहे थे जब सेवा में ली चाह बना के लिया तब लगता था कि अच्छा मेरे को बोला गया तब आई मी माई सेल्फ वाली फीलिंग आती थी अहम था आज की डेट में वो चीज नहीं है कि अब ये मालूम हो क्या है और ये इस बात का विश्वास है कि सब कुछ गुरुजी ही है मैं जैसी हूँ वो ने मुझे वैसे बनाया मेरे साथ जो होता है वो गुरुजी की मर्जी से होता है जो मुझे नहीं मिला वो भी इनकी इच्छा है जो मिला वो भी इनकी इच्छा है आज की डेट में मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी हो रहा है गुरु जी महाराज की इच्छा के अनुसार हो रहा है पर तब ये बात का एहसास नहीं था और तब लगता था कि अरे हमारा हमारी बारी अरे हमें बोला गया आई मी माई सेल्फ होता है या एटीट्यूड कह लो या कुछ कह लो या ना समझी कह लो तब वैसे थे पर धीरे 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 गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद शब्द वाणी सुनने के बाद व्याख्या सुनने के बाद आज हम ये कह सकते हैं कि हम एक टोटली डिफरेंट पर्सन है मैं ही नहीं सारी संगत जो भी गुरु जी की संगत है उन्होंने अपने आप में बहुत चेंजेस देखे होंगे और ये चेंजेस धीरे धीरे ही आते हैं और गुरु जी ही लेके आते हैं गुरु जी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया जो माने उनको भी ब्लेस किया जो नहीं मानते थे उनको भी ब्लेस किया मेरी फैमिली में मैं सबसे पहले गुरु जी के पास उनके शरण में गई एक बार मेरी मदर भी गई बट इतना मानती नहीं थी क्योंकि वो जलंधर रहती थी तो गुरु जी जब मेरी मासी के घर आते थे तो मेरी मदर होती थी और वैसे भी एक दो बार मिली गुरुजी से बाहर सोशली भी मिली बट मेरे को इस बात का पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी ने मेरी ममा को भी ब्लेस किया और वो ब्लेसिंग्स मुझे आज की डेट पे दिखती हैं कि हाँ उनकी ब्लेसिंग्स मेरी मदर के साथ हैं एक बेटा ब्लेस करने के बाद हम लोग तो बहुत खुश हो गए और शुक्राना किया बट उस तरह से नहीं जैसे कि करना चाहिए था हर एक चीज का शुक्राना करना चाहिए हमें छोटी बड़ी सब चीजों का ऐसा था कि मेरिकल हुआ है या बहुत गुरुजी ने हम पे एहसान किया ब्लेस किया बट गुरु जी हर एक चीज किसी कारण से करते थे और मैं आपको इस बात का एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैंने कंसीव किया तो एक डॉक्टर थे जो मेरे रेलेट एक रिलेटिव के ही सबॉर्डिनेट थे और काफी साल से वो सबॉर्डिनेट थे वो मेरे रिलेटिव उनको काफी साल से जानते थे बट मेरा क्योंकि जब समय नहीं आया था तो किसी ने उनका जिक्र भी नहीं किया और जब मेरा कंसेप्शन हो गया या कंसेप्शन से पहले उनकी ट्रीटमेंट में लेना शुरू कर दिया और जब वो डॉक्टर मुझे बुलाते थे चेकअप्स के लिए उसी हॉस्पिटल में बुलाते थे जो गुरुजी का ब्लेस्ड हॉस्पिटल था और जिनके ओनर्स गुरुजी के संगत थे गुरुजी को मानते थे और गुरुजी के आश्रम में जाते थे तो ये एक पूरा सर्कल था जो समझ तब नहीं आया और अब मैं जब मुड़ के देखती तो तब मेरे को समझ आता है कि उस टाइम पे कैसी चीजें फिट बैठ गई कि पजल सब कुछ सॉल्व हो गया गुरु जी ने मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की उनकी लाइफ बचाई कुछ साल पहले मेरी मदर इन लॉ वो पंडित को बिलीव करती हैं और जन्म पत्री वगैरह दिखाती हैं तो उन्होंने एक दिन मेरे को बोला कि वो कहीं गई थी उनको एक पंडित जी मिले तो कहती कि मैंने उनको अपना घर का एड्रेस दिया और वो कल सुबह आएंगे मैं उनको तो कुछ बोल नहीं सकी क्योंकि इनवाइट uh, कर चुकी थी मेरी मदर लॉ ने तो जब वो पंडित जी आए तो मेरी मदर लॉ ने कहा कि अपने हस्बैंड की पथरी ला इनको दिखाओ क्योंकि मेरी मदर लॉ मेरे हस्बैंड के लिए बहुत फिक्र करती थी और उनका समय उस समय बहुत खराब चल रहा था एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट कुछ भी ठीक नहीं था तो बहुत फिक्र करती थी और उन जब ये पंडित जी मिले थे तो उनको विश्वास हुआ कि ये जो भी कहेंगे सही कहेंगे या ठीक कहेंगे तो मेरे को उनको उनको पत्री दिखाने के लिए बोला गया मैं पत्री लेके आई और वो पंडित जी ने बड़े आराम से गौर से वो देखी पत्री और कहते हैं किसकी पत्री दिखा रहे ये तो इंसान जिंदा नहीं है तो मैंने उनकी तरफ तो देखा कि क्या बोल रहे हैं और कहते है, हाँ ये तो इंसान पूरा हो चुका है मैं कहा तो पंडित जी आप सोच के बोलिए क्या बोल रहे हैं आप मेरे हस्बैंड की पत्नी देख के बोल रहे हैं और वो यही इसी घर में हमारे साथ रहते हैं तो आप ये बात कैसे कह सकते हो कहते हैं आपकी ये पत्नी जन्म पत्नी बता रही है कि ये इंसान पूरा हो चुका है तो अब पंडित जी ने तो जो पहला था जैसे पहले लिखा होगा पत्री में उसके हिसाब से देख के बता दिया पर हम तो जानते हैं कि जब एक बार गुरु जी की शरण में आ जाओ तो वो लेख बदल सकते हैं और उन्होंने मेरे हस्बैंड की लाइफ बख्शी थी ऐसे नहीं कि जहां उनकी नौकरी थी जैसे थी जिस जगह पे वो थे वहां पे भी उनकी जान को बहुत खतरा था बहुत ज्यादा खतरा था और वो बच बचा के अपनी लाइफ सेव करके वापस घर आए थे और ये मैं दावे से कह सकती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं था अः uh, मेरे अंकल की एक बार बहुत मैसिव एक्सीडेंट हुआ uh, बड़ी स्पीड से कार आई और उनको हिट करके चली गई और कार पूरी घूम गई वो वाली कार जिसने हिट किया था और ये दोनों हेवी व्हीकल्स थी पूरी घूम गई और घूम के फिर सीधी आके खड़ी हो गई और वो आराम से घर आ गए यही नहीं एक बार उसी स्पॉट पे दूसरी बार उनका एक्सीडेंट हुआ और उनको एक्सीडेंट से पहले एक कॉल आता है और उस जमाने में आज से कुछ साल पहले की बात है बड़े आराम से अंकल मोबाइल यूज करते थे कार चलाते समय मना करने के बावजूद भी नहीं सुनते थे और उस दिन उनको एक कॉल आता है एंड वो अपनी गाड़ी साइड पे पार्क करके कार से बाहर निकल जाते हैं और आगे इंजन की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं और वो कॉल रिसीव करते हैं इतनी ही देर में जैसे वो आगे खड़े होते हैं और एक मिनट के अंदर अंदर एक गाड़ी आती है और खूब जोर से कार को हिट करती है और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि ड्राइवर की जो सीट थी वो उछल के लेफ्ट साइड पे चली गई और जो डोर था ड्राइव ड्राइविंग साइड का जो व्हील का जो डोर था वो बिल्कुल क्रश हो गया क्रम्पल हो गया और मतलब अंकल की आंखों के सामने ये हो रहा है और तीन दो तीन फीट की दूरी पे ये हो रहा है अंकल भी घबरा गए और उनको लगा कि वो गाड़ी ने उन्हें भी हिट किया है और कुछ देर बाद संभले अपने आप को फील किया टच किया सब ठीक है और घर पहुंचे और इतनी बुरी तरह से कार वो डैमेज थी कि हमको भी टू हाँ जस्ट राइट इट ऑफ स्क्रैप में बेचनी पड़ी तो ये और कौन कर सकता है गुरुजी महाराज ने ही उनको वो थॉट डाला जो इंसान कभी भी नहीं सुनते थे चलती कार में मोबाइल यूज करना है कॉल करनी है कॉल रिसीव करनी है और उस दिन गुरुजी ने ही उनको गाड़ी से बाहर निकाल के थोड़ा आगे तक भेजा होगा और उनकी लाइफ पक्षी होगी ये भी महाराज की ब्लेसिंग है उनकी ग्रेस है ऐसे ही उन्होंने मेरे हस्बैंड को काफी बार ब्लेस किया अलग अलग तरीके से गुरुजी अंग सहाय है ये तो हम सब मानते हैं छोटी uh, छोटी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ एक बार इनका वॉलेट एक मार्केट एरिया में गिर गया और रात को आए और मेरे को कहते हैं कि uh, मेरा ना वॉलेट गिर गया एज अ वाइफ एज अ लेडी एज अ ह्यूमन बींग रिएक्शन था ओहो, हो पैसे ऑब्वियसली उनकी जरूरत होती है और हालात भी इतने अच्छे नहीं थे और मैंने सुबह इनको एक बंडल डालते हुए देखा था तो मैंने कहा कि आ, सारे गए कहते नहीं पैसे तो मैंने मेरी थोड़े से तो ऊपर वाली पॉकेट में थे पर तो मेरे कार्ड्स एंड काफी इम्पोर्टेंट नंबर्स एंड काफी एक दो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वॉलेट में जो आ, गिर गए और मैं एक घंटा उसी जगह में ढूंढता रहा वापस अपने फ्रेंड के पास गया उसकी कार में बैठे थे वहां चेक किया सब कुछ किया पर नहीं मिला और सडनली कहते हैं और उसमें तेरे गुरुजी की स्वरूप भी था क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने उनको एक पॉकेट स्वरूप दिया था और कहा था कि इसको हमेशा अपने वॉलेट में रखना जैसे ही इन्होंने कहा कि तेरे गुरुजी का स्वरूप था मैं मुस्कुराई मुस्कराई और मैंने इनको कहा आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा नेक्स्ट डे सुबह एक फोन नंबर से बार बार कॉल आ रही थी इनको तो, कुछ देर बाद हरेडली तैयार होने लगे तो मैंने कहा जा रहे हो तो कहते हैं कि वो जो कॉल आ रही थी ना वो उसी इंसान की थी जिसको मेरा वॉलेट मिला मैंने कहा कैसे मिला कहते मेरे उस वॉलेट में वो उन आदमी के पास गए उनसे अपना वॉलेट लेके आए इंटैक्ट थी सारी चीजें शुक्राना गुरुजी आपने उनको सही हाथों में पहुंचाया और जिनको वो वॉलेट मिला था उन्होंने पूरी वॉलेट खोल के एक एक चीज की पिक्चर्स खींच के मेरे हस्बैंड के मोबाइल में भेजी थी और मोबाइल नंबर उनको कैसे मिला क्योंकि हस्बैंड के पर्स में एक उनके टेलर का रिसीट थी और उसने टेलर को कॉल किया टेलर ने बताया कि हाँ मैं उनको जानता हूँ और आपको मैं सुबह इनका नंबर दूंगा तो इस तरह से गुरु जी ने इनका वॉलेट सेव किया और इम्पोर्टेंट उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीजें थी जो वापस समय मिली यही नहीं एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था एक बार नहीं मेरे साथ तो बहुत बार होता है कभी मेरी बैंगल्स गुम जाती हैं नहीं मिल रही होती फिर मैं कहती हूँ भाई गुरुजी जी लगवा दो ना और कुछ देर बाद देखते तो वो सामने ही पड़ी होती है पर जब पहली दो तीन बार छान मारते हैं तो कभी नहीं मिलती एक बार मैं कहीं सत्संग पे जा रही थी और मैंने कहा अच्छा चलो ये नहीं ये अच्छी वाली शॉल थोड़ा सा अहम आ गया होगा शायद एक अच्छी सी शॉल निकाल के मैंने कहा ये लेके चलते वहां मैं बैठी सत्संग के दौरान मेरे ख्याल आया कि मैं ऐसी ये शॉल उठा के लाई कुछ भी ला सकती थी थॉट आया और उसके बाद मैंने सत्संग अटेंड किया लंगर प्रसाद किया और घर की तरफ आई घर आई मैंने उसके बाद कहीं बाहर जाना था तैयार त्यूर होके फिर से बाहर चली गई नेक्स्ट डे मैंने कहीं जाना था और मैंने कहा अरे मेरी वो शॉल कहा तो मैंने कहा अच्छा यही कहीं, कहीं होगी और मैंने जहां जाना था मैं चली गई मैं कहा आके ढूंढूंगी एक दिन निकल गया था गुरु जी दूसरे दिन जब हमने ढूंढना शुरू किया तो आ, जी वो शॉल मिले ना और बिल्कुल नहीं मिले इधर उधर सब जगह सारी कबर सब कुछ किचन वगैरह सब जगह मैंने ढूंढा एंड फिर मैंने कहा गुरु जी प्लीज शॉल लबवा दो नहीं लग रही एंड उसके साथ मेरी उस शॉल के साथ सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच थी एंड मैंने अपनी मेड को बोला जाओ जाके देखो बाहर देखो कहती कहीं नहीं है हम देख रहे हैं आपका दूसरा दिन है आप ढूंढ रहे हो मैंने कहा ऊपर वालों से पूछो जाके उनसे देखो जो है तब वो हमारे जो घर के ऊपर रहते थे उनके ड्राइवर के पास गई और बाकियों से सबसे मैं पूछ चुकी थी तो ड्राइवर ने उनको बोला क्या ढूंढ रहे हो क्या पूछ रहे हो आप तो कहती शॉल कहती शॉल का तो नहीं मेरे को पता पर एक चादर मिली है मेरे को तो कहती कहाँ से मिली कहती है कि कहता है कि एक चादर गेट के सामने गिरी पड़ी थी और मैंने उसको उठा के कार के बोनट पे रख दिया आप नीचे जाके देख लो शायद वही हो गुरु जी दो जी गुरु जी ने दो दिन मेरी उस शॉल की रक्षा की गार्ड किया क्योंकि जब मेरी मेढू नीचे गई उसने देखा कार के बोनट पे वो शॉल पड़ी है और लाके मेरे को कहा ये लो अपनी चादर अब एक ऐसे सड़क पे जहां पे बहुत ज्यादा फुटफॉल है इट्स अ वन वे रोड एंड बहुत लोग आते जाते हैं इट्स नियर अ मार्केट एरिया उस जगह पे शॉल का दो दिन बॉनट पे रहना बहुत बड़ी बात है और रक्षा की सिर्फ गुरुजी महाराज ने ऐसी हमारी छोटी छोटी बातें भी महाराज सुनते रहे जब वो चोले में थे तो हमारे को ब्लेस करते रहे चोला छोड़ने के बाद उनकी ब्लेसिंग्स हो गई और इतनी ब्लेसिंग्स मिली इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिली कि पूछो नहीं उन्होंने मेरे बेटे की हेल्थ इंप्रूव की एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ मेरे बेटे का कि एक बार उसकी आंखों में बहुत जलन थी बहुत ज्यादा जलन और उसने मेरे को सुबह उठाया और मेरे को बोला कि मम्मी मेरी आंखों में बहुत जलन हो आंख में एक आंख में और देखा तो वो बिल्कुल लाल हुई थी और मैंने कहा आप मेरे को पहले उठाना था कहता आप सो रहे थे और मैंने कहा आप अपने रूम में जाओ मैंने मंत्र जाप लगाया और मेरे घर में गुरु का एक छोटा सा दरबार बना रखा मैंने और उसमें से मैंने जल प्रसाद लिया और इसकी आंख में डाला जैसी आंख में डाला इतनी जलन हुई कि वो चिल्ला उठा और कहता मम्मी आपने मिर्ची डाल दी है और जब मैंने दूसरी आंख में डाला तो कुछ नहीं हुआ बिल्कुल नॉर्मल तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु जी का जो वो जल प्रसाद था दैट एक्टेड एज मेडिसिन फॉर हिम उसने उस उसकी आंख में दवाई का काम किया क्योंकि वो गुरु जी का ब्लेस जल प्रसाद था उनकी ब्लेसिंग्स थी उसमें और कुछ ही देर में उसकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई उसका जो रेडनेस थी वो भी चली गई और वो नॉर्मल हो गई ऐसे छोटी 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 बहुत सारी ब्लेसिंग्स रोज मरतबा हमारी लाइफ में होती हैं, डे टू डे लिविंग में हमें इस बात का एहसास होता रहता है कि हाँ गुरु जी हमारे साथ हैं हमारे अंग संग है कुछ साल पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी और एक मेरे ना कान में हल्की सी खराश हुई एंड मैं स्पेशलिस्ट uh, के पास गई उन्होंने मेडिसिन दे दी उन्होंने कहा एक छोटा सा कहीं एक दाना सा है वो ठीक हो जाएगा कुछ देर बाद उसी ईयर से थोड़ी सा ब्लड निकला अगेन आई वेंट टू दी इज नथिंग मच कुछ खरोच वगैरह देते हो आप लोग आपने कुछ बड या कुछ डाला होगा डोंट पुट एनीथिंग इन एनी हम भी कह के भूल गए उसके बाद कुछ समय बीता एंड मेरी हेल्थ होगी डिट्यूरेट इन द सेंस की मेरे को पूरी बॉडी में स्क्रैचेस शुरू हो गए इतनी इरिटेशन होती थी दैट स्क्रैच 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 एंड ब्लड आने लग पड़ा बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया कभी एक के पास कभी दूसरे के पास इसके साथ साथ मेरे, मेरे को और भी प्रॉब्लम्स हुई लाइक स्किन एलर्जी थी एयर इंफेक्शन थी अपसेट uh, स्टमक रहा अपसेट स्टमक टू मंथ तो ये मेरा क्लिजिंग प्रोसेस चल रहा था जो तब समझ नहीं आया एंड uh, अब अपसेट स्टमक का तो मेरे को गुरुजी को अरदास करनी पड़ी कि गुरुजी अब तो प्लीज क्योर कर दो बिकॉज पहले पांच दिन एंटीबायोटिक्स खाए फिर उसने उसको फिर एक्सटेंड कर दिया फॉर सेवन मोर डेज फिर उसने डोज बढ़ा दी ऐसे कर ऑलमोस्ट दिया महीना हो गया था और इतनी एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी कुछ थी, नहीं हो रहा था तो मेरे को पता था कि ये तो मेरे कर्म कट रहे हैं मेरे कष्ट कट रहे हैं और मैंने फिर एक दिन रात को गुरु को अरदास की गुरु, की। गुरु अब तो प्लीज कुछ करो आप क्योंकि इतना मेरे से टॉलरेट नहीं हो रहा कमजोरी बहुत आ गई है बिलीव यू मी संगत जी नेक्स्ट डे से मेरे स्टमक वगैरह सब ठीक और एयर uh, में कोई इंफेक्शन नहीं थी पर तो स्किन की जो एलर्जी थी जो मैं चेंज कर रही थी वो दि कुड नॉट कम टू एनी के पास गई तो वो चेक कर रही थी मैंने कहा मेरे सर पे भी खुजली हो रही है देखो यहाँ पे भी तो नहीं कहीं इन्फेक्शन हो गई और आप मानेंगे नहीं संगत जी ये एक इंडिकेशन था स्किन uh, का जो एलर्जी का गुरुजी की तरफ से क्योंकि जो मेरी एयर इन्फेक्शन थी वो पहुंच पहुंच के सीधा इट वाज गोइंग टुवर्ड्स माय ब्रेन और मेरे कान के ऊपर वाले एरिया में वो इंफेक्शन पहुंच चुकी थी एंड बाहर उस उस हेड से मेरा पस उज आउट होने लग पड़ा था और उसकी मेरे को खुजली शुरू हुई थी जो हमें पता ही नहीं चला कि कब हुआ कैसे हुआ बट इन द मीन टाइम दैट फ्रॉम टिल माई ब्रेन ऑन माई इन माई हेड एंड अब उसको दिखाने के लिए कि ये तुम्हारे साथ ये हो रहा है मेरे सर पे भी या स्किन में बॉडी में खुजली हुई जिससे कि लोगों ने तब स्पेशलिस्ट ने बहुत गंदी गंदी बीमारियों के नाम भी लिए थे और जब वो डॉक्टर ने मेरा हेड देखा तो कहता हैव टू डू द प्रोसीजर फर्स्ट उसी समय उन्होंने मेरे हेड का वो प्रोसीजर किया पस वगैरह निकाली बैंडेज की दो चार दिन बैंडेज करते रहे दबाते रहे पूरी पस क्लियर की एंड मतलब मैं थोड़ी ठीक हुई बट ये जो स्किन एलर्जी जो लोगों ने इतने नाम नूम दिए मैंने फिर अल्टीमेटली एक डॉक्टर बदला एंड उन डॉक्टर ने कहा कि कोई खास बड़ी बात नहीं थी आपको इंटरनल ड्राइनेस थी इससे आपको खुजली हो रही थी तो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी जो भी बड़ी या छोटी प्रॉब्लम थी मेरे को नहीं पता गुरुजी ने उसको छोटे में करके काट दिया मेरे को हेल्थ बख्शी और इसी तरह से मतलब समय बीतता गया और जो जो हम बातें करते थे गुरुजी मेरे को इस बात का तो विश्वास है सुनते ही हैं हमारी बातें हमारे रिसेंटली कुछ साल पहले हमने एक घर ढूंढ रहे थे शिफ्ट करने के लिए और जब हम एक पर्टिकुलर घर पे पहुंचे तो मैंने कहा ये तो मैंने कहीं देख रखा तो मेरे को एहसास हुआ कि ये घर तो मैंने आज उस दिन से दस बारह साल पहले अपने ड्रीम में देखा था और तब मैंने कहा था ये पता नहीं किसका घर है बड़ा सुंदर सा घर है बड़ा मॉडर्न सा घर है उस जमाने में वैसे घर बनते नहीं थे तो मेरे को लगा किसी बाहर कंट्री का घर है तो गुरुजी जी ने अप, मुझे वो विजन पहले ही दे दी थी और जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे तो मैंने कहा गुरु जी आई होप यूर ब्लेसिंग अस हेयर ऑल्सो आप यहाँ पे हमारे साथ हो हमें ब्लेस कर रहे हो ये कहने की देर थी कि गुरुजी ने अपने घर में होने का एहसास दिला दिया उन दिनों लाइट्स बहुत जाती थी बिकॉज़ लाइन ले कर रहे थे बड़ी लाइन ले कर रहे थे तो बहुत पावर कट्स होते थे और मैं क्योंकि हम नए नए शिफ्ट हुए थे मैं अपने हस्बैंड को कहा इन्वर्टर लगवाओ जेंट सेट लाओ तो अभी तक तो कुछ कर नहीं रहे थे एज इट इज थोड़े से वो आराम से काम करते हैं और एक दिन रात को लाइट चली गई दो बजे थे सारी रात लाइट नहीं रही पांच बजे तक हम जाग रहे थे और सुबह, जब, सुबह सुबह आंख लगी और सडनली मेरा बेटा आके मेरे को उठाता कि मम्मी एक मिनट आके बात सुनो जरा देखो क्या हो रहा है एंड वो मेरे को गुरु जी के कमरे में ले गया और हमने देखा कि गुरु जी के कमरे का फैन चल रहा है तो मतलब मैं भी आधी नींद में थी मैंने कहा तुमको इतनी बात नहीं समझ आई शायद ये इस कमरे का कनेक्शन लिफ्ट के साथ जुड़ा क्योंकि उस कमरे के पीछे ही लिफ्ट थी मैंने कहा लिफ्ट के साथ जुड़ा इसीलिए इस कमरे में ये फैन चल रहा है और मैंने उसको स्विच ऑफ किया एंड फिर मैंने जब उसको स्विच ऑन किया तो फैन मुंट वो चला ही नहीं तो मैंने उसको एक दो बार ऑफ ऑन किया और मैंने कहा मतलब नींद में थी तुम्हें को, आके बाद में देखूंगी अभी मेरे को नींद आ रही तुम मेरे मतलब डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को और ऐसे कह के मैं गुरु जी के कमरे से अपने बेडरूम में चली गई जब थोड़ी देर बाद उठी फ्रेश होके मैं गुरु जी को मत्था टेकने गई तो गुरु जी कहने मैं मी और मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो गुरु जी हमारे को बता रहे थे क्योंकि मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था आप हमें ब्लेस कर रहे हो यहाँ हो हमारे साथ और ये गुरुजी ने दिखा दिया कि हाँ ही इज देर तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप छोटी छोटी हमारी बातें सुनते हो और उसकी confirmations भी देते हो अपना प्रमाण भी देते हो जिससे हमारा हौसला भी बना रहता है और हमारा समय भी कटता रहता है हमारे को ये फील होता है कि आप हमारे साथ हो एक बार छोटा सा किस्सा है कि मैं और मेरी फ्रेंड फोन पे बात कर रहे थे गुरुजी तो फोन तक की कॉन्वर्सेशन सुनते हैं और मेरी उस फ्रेंड ने मेरे को बोला की अभी ना मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो हम लोग मॉल में चलेंगे रात को बच्चे वगैरह वहां पे एंजॉय कर लेंगे डिनर करके आएंगे और मैंने उसको साफ मना कर दिया कि रात को नहीं जा सकती कि अंकल को इतना पसंद नहीं है और अगर अंकल नहीं हो तब तो बात अलग है पर अंकल घर में हो वो जाना पसंद नहीं करेंगे मॉल में और मैं उनको छोड़ के जाऊं तो ठीक नहीं लगेगा अंकल अगर आउट ऑफ स्टेशन है तो अलग बात होती है इतनी सी मैंने मैंने कहा और ये तो काम मैंने कहा सिर्फ गुरुजी तू ही कुछ कर सकते हो जो करना है मैंने गुरुजी से ऐसे बात की कॉन्वर्सेशन के दौरान ही मैंने उन गुरुजी से बात की और उसी दिन शाम को जब अंकल घर आए तो कहते हैं कि मेरे को आउट ऑफ स्टेशन आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ेगा फॉर अ फ्यू डेज और मैं बड़े खुश मन में, में मेरे लड्डू फूट रहे हैं कि अरे गुरुजी ने हमारी बात सुन ली और गुरुजी इनको आउट ऑफ स्टेशन भेज दें तो मैंने कहा कब जाना पड़ेगा कहते हैं? अभी दो चार दिनों में ये मिड मंथ की बात है और उनकी मेरी सहेली की एनिवर्सरी एंड ऑफ द मंथ में थी एंड करते करते संगत जी ठीक मेरे सहेली की एनिवर्सरी के एक दिन पहले अंकल फ्लू uh, Out of India and he came back आउट days later जब उसकी anniversary हो गई सब कुछ हो गई तो ऐसे गुरु जी छोटी छोटी हमारी मुरादे पूरी करते हैं बट गुरुजी कहते समय सही होना चाहिए जगह भी सही होनी चाहिए है तो जब तक समय नहीं थी तो वो हमारी विशेष पूरी नहीं करते हैं पता उनको सब रहता है कि इसको ये चाहिए ये चाहिए ऐसा मांग रही है बट वो हमारे लिए कितना अच्छा है कितना बेनिफिशियल uh, है वो हमें तभी देते हैं जब सब हमारे लिए अच्छा हो अगर हमारे को उससे कोई बेनिफिट नहीं है या हमारे अगेंस्ट है तो वो चीज uh, हमें नहीं मिलती उस समय टिल द टाइम इज राइट ऐसे ही अम uh, लेट uh, अभी uh, गुरुजी ने आ, मुझे फिर से अच्छी हेल्थ ब्लेस की लास्ट ईयर उनके बर्थडे के दिन मैं कहीं सत्संग पे थी और मैं वहां एकदम से गिर गई बिल्कुल आराम से खड़ी थी और मैं गिरी समझ नहीं आया क्या हुआ सेवन जुलाई से लेके सेवेंथ नवंबर तक मैं दो तीन बार वॉशरूम में गिरी तो सब लोग डर गए कि इसको क्या हो रहा है एंड जुलाई में गिरी अगस्त में गिरी सितंबर में गिरी ऐसे आई कंटिन्यू टू हैव दिस फॉल्स एंड ये गुरुजी मेरे को इंडिकेट कर रहे थे कि अपनी तेरी हेल्थ खराब हो रही है अपना हेल्थ पे ध्यान दे पर हमें समझ नहीं आया अभी तक ऐसे इंडिकेशन कई बार नहीं समझ आते इतने फॉल्स होने के बावजूद मेरी फ्रेंड्स मेरे को कहने लग पड़ी कि भाई अपना चेकअप कराओ अपना सब अपनी अपनी एडवाइस देने लग पड़े इसी के दौरान बिकॉज कोविड चल रहा था तो हॉस्पिटल्स में जाने से डर भी लगता था और मेरी हमेशा गुरु जी से ये अरदास रहती थी कि गुरु जी कोविड ना हो देना कोविड तो बचाओ प्लीज सेव मी एंड माई फैमिली फ्रॉम कोविड तो बाय हिज ग्रेस हमें कोविड तो नहीं हुआ उन दिनों बचे रहे हमारी फैमिली में कोविड नहीं आया बट मेरे को सडनली सांस की तकलीफ हो गई जी समेक्शन लेफ्टल की मेरे को सांस घुटने लग पड़ा सांस नहीं आया इतनी बुरी हालत होगी कि एक दिन तो को एक रात तो मैं बैठ के काटी मैंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया ऑन जूम एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस की वीडियो कॉलिंग की एंड उसके बाद मेडिसिन लें बट फाइव डेज के एंटीबायोटिक्स के बाद भी कुछ नहीं हुआ एंड उसके कुछ देर बाद मेरे को फिर से ही वही हाल हुआ एंड इतनी घुटन इतना सांस रुक रहा है कि आई कुड नॉट इवन सिट द होल नाइट मैं चलती रही चलती है जब मैं बैठू तब ओके था जब मैं लेटने की कोशिश करूं तो सांस ना आए तो इतना घबरा गए कि सुबह पांच बजे मैंने अपने एक फ्रेंड को टेक्स्ट कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है मेरे से सांस ही नहीं आ रहा वो भी घबरा गए कि ऐसा तो होता नहीं कि कुछ कि किसी ना किसी टाइम पे तो इतनी नींद आती कि इंसान सो जाता है और ये तो सारी रात जागती रही है और मेरा बेटा इट वॉज सैटरडे तो नेक्स्ट डे संडे था जब सुबह हुई तो मेरे बेटे ने ढूंढना शुरू किया कि कौन सा ई एन टी अवेलेबल है और यहाँ पर संडेज को डॉक्टर्स जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। बट लकली गुरु जीस हमें एक एन टी का नंबर मिला घर के पास और उन्होंने अपॉइंटमेंट भी हमें सही टाइम की दे दी दै बिफोर उनके घर तक हम पहुंचे एंड मैं उनके सामने भी नहीं बैठ सकी वो कुछ पूछ रही थी मेरे को इतना तकलीफ हो रही थी कि मैं क्लियरली उनको आंसर्स भी नहीं कर सकी तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपका प्रोसीजर करना पड़ेगा आपको शाम को एक हॉस्पिटल का नाम लिया वहां आना पड़ेगा मैंने कहा ठीक है मैंने कहा अभी चले हालत इतनी खराब थी कि मैं उसी समय जाने के लिए तैयार थी और वो उन्होंने कहा नहीं अभी तो नहीं मैं शाम को विजिट करती हूँ और आपको शाम को वहां जाना पड़ेगा अब जब मेरी ये रात को तबीयत खराब हुई थी मैंने गुरुजी के दरबार में जाके अरदास की गुरुजी एक दिन का टाइम है मैनु ठीक करो या मैनु चक लो मेरे तू रहा नहीं जाता मतलब मैं सात बगैर नहीं रहती उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि वाकई सांस एक ब्लेसिंग है जो गुरु जी ने हम सबको दे रखी कि हम आराम से सांस ले सकते हैं एंड ऑल्सो तब रियलाइज हुआ कि वॉट इज कोविड लोगों को कितनी तकलीफ हुई हो होगी जब उनको सांस नहीं आया होगा बट गुरु जी जो मेरे से जो मेरी अरदास थी उसी के कारण नेक्स्ट डे ई एन टी स्पेशलिस्ट मिली बहुत अच्छी डॉक्टर थी वो और उन्होंने आ, मेरी हालत देख के मेरे को कहा कि मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती पहले तो वो अपने क्लिनिक में ढूंढती रही फिर उन्होंने कहा मेडिसिन लिख के देती हूँ और आप उनको आ, मंगा लो एंड या तो जाके ले आओ एंड uh, मैं आपका प्रोसीजर यही करने की कोशिश करती हूँ आप मानेंगे नहीं जो था था वो डॉक्टर के घर से मिनट्स की दूरी पे था, उस केमिस्ट को हमारे तक पहुंचने में तीन घंटे लगते इसमें भी गुरुजी की कोई लीला है और वो तीन घंटे में उन उसकी क्लिनिक में नहीं बैठ सकी मैं इतनी डिस्कम्फर्ट में थी कि मैं बाहर सड़क में धूप में चल रही थी शायद कुछ कर्म कट रहे थे कुछ कष्ट कट रहे थे गुरु जी को पता था क्या है और जब मैं धूप में चल रही थी, थी। जैसे ही उनके क्लिनिक में जाती बैठने की कोशिश करती मेरे को सांस उखड़नी शुरू हो जाती तीन घंटे के बाद जब वो केमिस्ट आए पता नहीं उन्होंने अपना ही कोई मेरे को बहाने वगैरह बताए जो भी था वो डॉक्टर थी उन्होंने प्रोसीजर किया और तब मेरे को ये बोला कि पता नहीं क्या है जो मैं आपका प्रोसीजर यहाँ कर रही हूँ कि मैंने आज तक कभी नहीं किया और मैं कभी नहीं करती मैं सबको हॉस्पिटल लेके जाती हूँ और वहीं रेफर करती हूँ बट क्योंकि आज संडे था और आज हमारे पास सिर्फ एमरजेंसी वाला स्टाफ होता है नर्सेस भी ओटी वाली नहीं होती हैं इसीलिए आई हैव टेकन दिस चांस और मैंने आपका यहाँ पे ही कर दिया एंड अगर आपको कोई तकलीफ होगी वैसे तो आपको 12 घंटे तक तो कुछ भी नहीं पता चलेगा और 24 घंटे तक आपको सांस की प्रॉब्लम होगी नहीं बट अगर होगी तो कल 24 घंटे कल है तो मंडे है तो आप हॉस्पिटल में आ सकती हैं बट दिस इज ऑल गुरुजीज महाराज ग्रेस की मेरा वहां पे प्रोसीजर हुआ जो भी किया वो डॉक्टर ने कर दिया और उसके बाद मेरे को वो तकलीफ नहीं हुई बट जो मेरे को फॉल्स हुई थी मैं बार बार गिर रही थी इसके लिए मेरे को मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करवाया और सब कुछ सब कुछ अपसाइड डाउन था ऊपर नीचे ऊपर नीचे सब कुछ और धक्का भी लगा कि ये कैसे हो गया महाराज आप के तो मैं लंगर भी खाती थी सब कुछ करती थी और जब मैं डाय डायग्नोज हुई थी तब भी मेरा एच बी एवनसी मेंटेन करके रखा था चाहे मैं तीन तीन बार लंगर खाके मीठा प्रसाद खाती थी तो अब सडनली इतना हाई कैसे सब कुछ ही अपसाइड डाउन पूरा मेरा प्रोफाइल बिगड़ा हुआ और ये इंडिकेशंस महाराज दे रहे थे बाय गिविंग मी वेरी फॉल्स गिरा के बचा के फिर की एहसास हो अपनी चेकअप कराए और साथ साथ में गुरु जी महाराज का एक मैसेज भी आया कि सैर सब तो चंगी चीज है एंड आई दैट इमीजिएटली आई कनेक्टेड और मेरे को पता पता चल गया कि ये महाराज मेरे लिए मैसेज भेजा एंड आई स्टार्टेड टू वॉक और आप मानोगे नहीं संगत जी

गाइड करते हैं उनकी गाइडेंस के बगैर हम कुछ भी नहीं है उनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम कुछ भी नहीं है मैं मानती हूं जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होता है बट हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है और वो रीजन सुनर और लेटर हमें पता चल जाता है uh, मतलब कहीं पर भी अगर आप बैठे हो और आप सीधा गुरु जी से बात करो कहीं भी किसी भी जगह पे वो आपकी बात सुनते हैं मेरे साथ एक बार जब बड़ा मंदिर बंद था तो अः हम लोग गए दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो अभी नहीं खुलेगा और ये समय नहीं है और हम लोग आगे बड़े मंदिर के आगे उस फार्म की साइड चले गए गुरु जी ने वहां पे हमें मोर के रूप में दर्शन दिए और कुछ देर बाद हमने देखा कि बड़े मंदिर में थोड़ी सी एक्टिविटी हो रही है मतलब गेट के पास हम गाड़ी पार्क करके चल के गए पीछे से एंटर किया एंड जैसे दरबार में एंटर करने लगे इतनी फूलों की खुशबू इतने ज्यादा गुलाबों की खुशबू जैसे कि वर्षा हो रही है गुलाब जल के और गुरुजी ने महाराज ने उस दिन हमें दो बार दर्शन दिया हम बाहर आए और फिर अंदर गए एंड जब मैं अंदर थी क्योंकि मैं डायटिक हूँ इतनी प्यास लगी इतनी प्यास लगी और हमने कहा कि प्लीज पानी दे दो तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि अलाउड नहीं था बिकॉज ऑफ कोविड प्रोटोकॉल नीचे जमीन पे दो तीन पानी की बूंदे थी और मेरा दिल करे उनको ही मैं लिख कर लो इतनी बुरी हालत थी और मन से तब बर्दाश्त कि गुरु जी थोड़े तो होंगे मैं बड़े मंदिर चो भी पानी नहीं मिल रहा मेरी कंडीशन खराब हो रही है इतने में हम बाहर आए और मेरे साथ जो थी उन्होंने एक आंटी को रिक्वेस्ट किया और आंटी वो आंटी कहती है रुको मैं देख के आती हूँ एंड अल्टीमेटली वो आंटी एक जल प्रसाद की बोतल हमारे लिए लाई और उसके साथ साथ गुरु जी महाराज ने हमारे को लंगर प्रसाद भी खिलाया तो ऐसे करके ब्लेसिंग देते रहे देते रहे और हम लाइफ में आगे बढ़ते गए अः मेरी बीच कुछ महीने पहले एक बहुत क्लोज फ्रेंड की डेथ हो गई थी और मैं बहुत अपसे थी गुरुजी से बहुत ज्यादा अपसे थी और uh, मैं ऑलमोस्ट उनसे लड़के कह रही थी कि गुरुजी जी बिकॉज वो यंग थी छोटे छोटे बच्चे थे कि ये क्या किया आपने ऐसे क्यों उसके साथ क्यों एक ही मेरी सहेली थी आप उसको भी ले गए ऐसे मतलब काफी मेरी बात हुई गुरुजी महाराज से काफी लड़ाई भी हुई मैंने नाराजगी भी दिखाई और उ, उसकी डेथ से पहले ही हमारा प्रोग्राम बना था कि मंडे को हमने मंदिर जाना है और हम मंदिर गए लोगों ने हमें कहा बारिश हो रही है तो आप आ, मतलब आ, आपको सड़कें नहीं मिलेंगी ट्रैफिक मिलेगा गड्ढे मिलेंगे पानी बहुत भरा होगा ध्यान से जाइए जल्दी जाइए टाइम से पहुंचना है तो हम लोग उस दिन मंदिर गए रास्ते में कुछ नहीं कोई ट्रैफिक नहीं कोई पानी खड़ा नहीं कुछ नहीं वेरी वेरी स्मूथ जर्नी जैसे कि गुरुजी महाराज ने हमें बुलाया आमंत्रित किया वैसे बिल्कुल स्मूथ जर्नी हम जोड़ा घर तक गए तो जोड़े उतारे और वहां पे किसी ने कोई कहता कि आगे से जाके आपको आगे से अंदर एंट्री लेनी हमने एंट्री ली बहुत खुले दर्शन हुए उस दिन महाराज के बहुत खुले कोई भी नहीं हमें कह रहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो और जब जोड़ा घर आए तो एक आंटी एक बात कर रही थी कि वो स्वरूप वगैरह कहाँ से मिलते तो वो कहते हैं वहां पे एक खिड़की है देख लो खुली है कि नहीं और आपको पता चल जाएगा अब जब हम वापस आ रहे थे मेन गेट के पास अभी मैं खड़ी हुई थी तो एक अंकल कहीं से आते और कहते हैं वो खिड़की पे जाओ और जाके अपनी ब्लेसिंग्स ले लो तो तब क्योंकि मैं जोड़ा घर में भी सुन के आई थी तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरे लिए मैसेज भेज रहे महाराज ब्लेसिंग्स का और मेंटल कंडीशन भी इतनी खराब थी कि हम खिड़की पे गए वहां पे हमें गुरु जी का फ्रेमड स्वरूप मिला और जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे साथ जो आंटी थी मैंने कहा आपने कैब बुक कर दी तो कहती हैं वो तो दिखा रहा है कि पंद्रह मिनट मैंने कहा तो कैंसिल कर दो दूसरी बुक कर लेते हैं तो कहते हैं कि नहीं वो कैंसिल हो नहीं रही है तो हमने कहा चलो देखते कहती अब तो और पांच दस मिनट और वो, पांच मिनट हो गए अब दस मिनट में वो ही जाएगा क्या फिर से बुक करनी हम लोग साइड पे हो गए एंड uh, इतने सुंदर हमें शिवलिंग के तब दर्शन हुए क्लाउड्स थे डार्क ब्लू स्काई हो गया

अंकल वहाँ पे लंगर प्रसाद बांट रहे थे और हम उनके पास गए तो मैंने कहा कि आ, अंकल हमें मिल सकता है क्योंकि उससे पहले संडे में डुगरी में मक्की की रोटी और सरसों का साग था और अंकल मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे भी सरसों का साग और मक्की की रोटी बांट रहे हैं तो अंकल ने मना कर दिया कि नहीं ये तो सिर्फ सेवादार अंकल के लिए है पर पता नहीं गुरुजी ने उनको क्या बोला कि वो कहते हैं अच्छा चलो एक रोटी देता हूँ आप लोग खा लेना जब उन्होंने हमें थाली दी तो दो रोटी डाली थोड़ा सा सरसों का साग डाला दो गुड़ की डलियां डाली मेरे और आंटी के लिए और फिर पीछे से एक और रोटी प्रसाद उसमें रख दिया और कहते साइड पे होके खा लेना क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे हम लोगों ने भी बड़े आराम से खाना शुरू किया एंड uh, पहले तो वो साथ मेरी जो आंटी थी उन्होंने कहा कि मैं तो घर लेके जाऊंगी मैं कहा मैं तो यही खाऊंगी और मैंने पूरा अपना खाने लग पड़ी आंटी का पहले खत्म हो गया और मैं जैसे आंटी को कहने लगी आंटी ने मेरे मुंह की बात छीन के बोल दिया कि तेरा प्रसाद खत्म होगा तभी हमारी गाड़ी आएगी और वो ही हुआ जैसे लंगर प्रसाद खत्म हुआ वहां से वो कैब आ गई और हम वापस बैठ के अपने बातें करते हुए वापस घर की तरफ आ गए मैं उतरी और आंटी को जब वो ड्राइवर छोड़ने गया तब आंटी से कहते कि मैं आपसे एक बात करूं कहते हाँ करो तो आ, कहते कि आ, मैं ना गुरुजी का आ, संगत हूँ मैं गुरुजी को मानता हूँ और जब हम कैब में बैठे थे मैंने देखा था कि वो ड्राइवर अंकल ने शिवलिंग की तरफ देख के मत्था टेका तो मैंने कहा शायद इनको पता होगा कि एक होली प्लेस है एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने मत्था टेका तो जब उन्होंने आंती को बोला कि मैं भी गुरु जी की संगत हूँ मेरे परिवार पूरा गुरु जी को मानता है तब मेरे को वो बात से स्ट्राइक की मैं तभी उन्होंने मथा टेका होगा और कहते हैं कि जब आप लोगों ने कैब बुक की थी मैं छतरपुर के पास था और मैं कैंसिल करने लगा था और क्योंकि मैं गुरु जी में इतना विश्वास करता हूँ गुरु जी मेरे साथ ही आगे बैठ के गाड़ी में ही रहते हैं और उन्हों मेर, उन्होंने मेरे को बोला जा उन्होंने तो कहता है फिर गुरु जी ने क्योंकि कहा था वो कुड़िया नु के आ ते इसीलिए मैंने कैंसिल नहीं की और मैं इतनी दूर ड्राइव करके आपको लेने आया और जब आप लोग गुरु जी के बारे में बातें कर रहे थे सत्संग कर रहे थे गुरु जी सामने बैठ के मुस्कुरा रहे थे जय गुरु जी शुकराना गुरु जी कि आपने उन्हें भेजा और आपने आ, मतलब हमारे साथ ट्रैवल किया इससे बड़ा सौभाग्य तो किसी का नहीं होता तो ऐसे गुरुजी मतलब छोटी 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 बातों में अपना होने का प्रमाण देते हैं हमारे साथ होते हैं हमें ब्लेस करते हैं और अब तो मेरे को लगता है ये लाइफ ही एक ब्लेसिंग्स बन गई है क्योंकि कभी सत्संग से लेट हो रहे हैं तो गुरुजी अरेंज कर देते हैं कि कोई ना कोई घर तक छोड़ आता अंधेरे में अकेले आना नहीं पड़ता हालांकि मेरे को तो ये भी पता है कि गुरुजी महाराज एक बार खुद ही छोड़ने आए थे जब बहुत लेट हो गई थी और कोई कैब खूब नहीं मिल रहा था आउट ऑफ द ब्लू एक ऑटो वाले आए जो मेरे को घर तक छोड़ के गए ना उन्होंने पैसे मांगे ना कुछ और जितने मेरे हाथ पर्स में डालो जितने पैसे निकले उनको दे दिए ना उन्होंने गिने और एकदम से चला ऑटो चला के चले गए लगा कि हाँ ये गुरु जी हैं क्योंकि उसको मेरे घर का पता कैसे पता चला जो मैंने नहीं बताया था ये सारी चीजें तब जब हो रही होती हैं आपके साथ तो समझ नहीं आता दिमाग में पर्दा पड़ जाता है बट जब बाद में आप सोचते तब तो आपको पता चलता अरे ये तो गुरु जी की ही करनी थी ऐसे ही गुरु जी की डे टू डे लाइफ में हमारे को ब्लेस करना हमारे को हेल्प करना हमारे को सपोर्ट करना अब नजर आने लग पड़ा और अब पता चलता है कि हाँ गुरु जी हमारे साथ हैं हमें ब्लेस कर रहे हैं और अगर गुरु जी हमें ब्लेस नहीं करते हमारे साथ ना होते तो लाइफ कितनी मुश्किल होती कितनी कठिन होती सो आई थिंक ऐसे तो बहुत सारे छोटे 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 सत्संग हैं जो अनएंडिंग है बट मैं यही कहूंगी कि गुरु जी आपका करोड़ा करोड़ शुक्राना अरबा अरब शुक्राना बेअंश शुक्राना, शुक्राना कि आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपने शरण में लिया रादर हमारी पूरी संगत की तरफ से शुक्राना, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स के बगैर हमारा कुछ नहीं हो सकता था आपने हमें संभाल रखा है थाम रखा है और हमें सही राह पे चला रखा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी थैंक यू गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु, गुरु, गुरु जी अंकुल जी आंटी आपके ब्लिसफुल और डिवाइन जर्नी बहुत रोचक इंटरेस्टिंग और प्रेरणादायक रही है गुरु परिवार को बहुत मैसेजेस मिले हैं मैं तनुज कपूर आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ तनुज आंटी शुक्राना अंकल जी एंड जय गुरुजी यस yes, अंकल हम सब की तरफ से मैं गुनीत कोहली आंटी आपका बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूं कि गुरुजी ने आज आपको सत्संग शेयर करने के लिए भेजा कि जैसे अंकल ने कहा आपकी जर्नी के थ्रू हमें सबको बहुत मैसेजेस मिले और आपके मैसेजेस के थ्रू आपकी ब्लेसिंग्स के थ्रू जो गुरुजीन महाराज ने आपके और आपकी फैमिली के ऊपर की हैं एक बार फिर हर बात से ये एहसास कराया आपने और गुरुजी महाराज ने कि वो हमेशा हमारे अंगसंग हैं और एज टाइम प्रोग्रेसिस जैसे हमारा कनेक्शन गुरु महाराज के साथ स्ट्रोंगर होता जाता है हमें इस बात का एहसास होता है पहले कुछ साल पहले शायद हमें इन बातों का एहसास नहीं होता था वी लाइक यू सेड योर जर्नी इज मोर देन थर्टी टू ईर्स गो यू मेट गुरु जी इन फिजिकल फॉर्म तो बहुत ही सुंदर और लंबी जर्नी इस फिजिकल रूप में गुरु जी के गुरु रूप में आपकी रही है तो गुरु जी ने जितनी ब्लेसिंग्स आप पे की शायद शुरू के सालों में आपको ये एहसास नहीं हुआ इट यू प्रोबेबली टुक इट एज अ गुड टाइम बट नाउ एवरी स्टेप एवरी डे हर चीज का यकीन हो जाता है कि गुरु महाराज कर रहे हैं एंड ही ऑल्सो क्योंकि हमारा कनेक्शन उनके साथ डीप हो जाता है ही हेल्प अस टू एनालाइज कि किस प्रकार गुरु महाराज ने हमें ब्लेस किया है हम समझ जाते हैं उस वक्त बेशक ना हो मे बी आफ्टर लिटिल टाइम लाइक अभी अभी जो आपने लास्ट में अपना सत्संग शेयर किया अबाउट ऑटो ड्राइवर आपको लेके आए बिना एड्रेस बताए बिकॉज ऑटो में तो जब आप बात कर रही हैं शायद जीपीएस नहीं होते थे सो विदाउट जीपीएस विदाउट यू टेलिंग हिम एनी थिंग वो आपको घर छोड़ के गए और जो भी पैसे दिए ले लिए देर इज नो डाउट कि गुरु महाराज आए थे ही रियलाइज यू आर स्ट्र

बट कितनी uh, आपने uh, और भी एक आध बातें जो बताई uh, जिससे हमें लगता है कि इट इज गुरु जी महाराज की जो लाइफ थी ही लेड बाय एग्जाम्पल और हिज सोल पर्पस ऑफ कमिंग ऑन अर्थ वाज फर्स्टली प्राइमरीली टू कनेक्ट अस टू परमात्मा क्योंकि हम कहीं सम टाइम बैक ये थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया था पूजा पाठ करना परमात्मा को का ध्यान करना ओपनली एक्नोलेज करना फ्रेंड्स के साथ कि मैं सत्संग में जाती हूँ या मैं पाठ करती हूँ दीज थिंग्स वर नॉट फैशनेबल बट इसी बात को ठीक करने के लिए गुरु महाराज आए एंड ही अचीव हिज एम इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे देखिए कैसे हर साल संगत बढ़ती जा रही है दी अदर थिंग जो गुरु जी महाराज री इन्फोर्स करने आए थे जैसे आपने कहा डिसिप्लिन पंक्चुअलिटी और हमेशा हाइजीनिक और सफाई का ख्याल रखना एंड लास्टली वॉट यू मैं सो गुड फॉर हेल्थ और ये सारी बातें गुरु जी जैसे भी आपने भी देखा होगा गुरु जी खुद करते थे टाइम के बिल्कुल पाबंद खुद फॉलो करना पंक्चुअलिटी नॉट ओनली घर की सफाई रखना घर की किचन की अपने खुद की भी वेदर इट इज बाथरिंग क्लीन आलो या काम करते हुए भी आपके कपड़े खराब नहीं होने चाहिए ऑल दीज थिंग्स एंड वॉकिंग गुरु महाराज हिमसेल्फ सेल्फ वॉक एवरी डे तो ये सारा कुछ सिखा के गए समझा के गए जस्ट लीडिंग बाई एग्जाम्पल बिकॉज ही सेड मैं प्रैक्टिकल करता सो आई वुड लाइक टू थैंक यू

सो so, हर चीज का शुक्राना, बिकॉज अगर हम बिलीव करते हैं कि हर चीज गुरु जी महाराज के हुक्म से हो रही है वेदर इट इज़ अ गुड टाइम या इट इज अ डिफिकल्ट टाइम वो सब गुरु जी महाराज की हुक्म से है कोई कोइंसिडेंस नहीं है सो so हर चीज का शुक्राना करना है और कर्म जो है हमारे उनको तो हमने भुगतना है सो so, आपने एक और बात याद दिलाई कि हर चीज अपने टाइम से होती है जब गुरु जी महाराज हमारे कर्म कटवाते हैं चाहे सेवा करवा के करवाए चाहे किसी और की हेल्प या या हमारे पैसे गुम कोई शरीर का कष्ट हो जाए, ये सभी के गुरु जी के तरीके हैं हमारे कष्ट काटने के बट जब गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग होती है तब गुरु जी महाराज आ, हर कष्ट को छोटा कर देते हैं और अगर जरूरत पड़े और गुरु जी महाराज चाहें तो हमारे हाथों की लकीरें भी बदल देते हैं कितनी ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे गुरु महाराज ने की हैं आपके हस्बैंड के लाइफ पर आपकी मदर की लाइफ पर आपको इतना सुंदर बेटा दिया तो एक बार फिर इन सब बातों का आपने याद दिलाया जिससे गुरु महाराज को हम सब चरण वंदना करते हुए प्रणाम करते हुए शुक्रिया करते हैं गुरुजी थैंक यू सो मच आपने गुनीत आंटी की फैमिली और उनपे इतनी ब्लेसिंग्स की हैं और उनकी बातें सुनकर उनकी ब्लेसिंग सुनकर हम सबको भी याद आता है कि गुरु महाराज ने हम सबके लिए कितना कुछ किया है कितनी ब्लेसिंग हमें दी है कितनी हमारी आदतें बदली हैं वी हैव बिकम और आई इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर पीपल थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर शोइंग अस द राइट पाथ

मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुजी महाराज से आगे लेंगे समस्त गुरु परिवार जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी जी आज्ञा महाराज आज्ञा संगत जी जय गुरुजी जय 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 जय